diciamo in chi tu fate. Sapete tu che sei me little bit harder, a bit harder, yo. वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा, हेडफोन लगा लेना, आज गालियां निकलेंगी। इन चूतिये लोगों से रिलेशनशिप नहीं रखना। जो तुम्हारा रंडवा बॉयफ्रेंड है, जो तुम्हारी गधी गर्लफ्रेंड है, इनकी बोलती बंद करो, इनके रिलेशनशिप से निकलो। नहीं निकलोगे तो रोते फिरोगे बाहुली बकरी के साथ टुकड़ी टुकड़ी। क्यों अपनी जिंदगी झंड करते हो, क्यों इनके लिए तड़पते हो, क्यों तुम नहीं समझते कि ये तुम्हारे थे ही नहीं, तब भी तुम रोते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो, तड़पते रहते हो। सर ये कैसे हमारी लाइफ में आएगा जो तुम्हारी जिंदगी झंड करके भागे, तुम उनके लिए रोती हो, तड़पते हो, मरते हो। साड़ो आज इनको अपनी लाइफ से निकालना, ठीक है। वीडियो एंड तक देखना, पूरा माइंड शार्प हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो मेरे पहले पॉइंट पे आएंगे। जो तुम्हारा रंडवा बॉयफ्रेंड है, जो तुम्हारी गधी गर्लफ्रेंड है, इतना प्यार करा, 3 साल का रिलेशनशिप हो, 2 साल का रिलेशनशिप हो, 10 साल का रिलेशनशिप हो, ठीक है, छोड़ के भाग गई, तुम्हें ब्लॉक कर दिया उसने, दब्बा दे दिया, मुझे कैरियर बनाना है, ठीक है, या किसी और में इन्वॉल्व हो जाती है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक तुम उसका वेट करते हो, सबसे बड़े गधे चूतिये तुम हो, नंबर वन हो। क्यों बावली गांड बन के घूमते हो तुम, ये बताओ मुझे, हैं? जो इतना प्यार देने के बावजूद भाग गई, छोड़ के भाग गया, मजबूरी का नाम दे रही है, दे रहा है, फिर आ जाता है दोबारा कि यार मैं तेरी लाइफ में आना चाहता हूँ, मैं तेरे बिना नहीं रह रहा, नहीं रह रही, तुम्हें कॉल करता, मैसेज करता, सबसे बड़े चूतिये तुम हो, वो नहीं है, ठीक है, जो तुम उसे मौका दे रहे हो, तुम्हारी लाइफ को झंड करते हो। उस दर्द में छोड़ के गया था, उन महफिलों में छोड़ के गया था जहाँ तू मर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बट उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फ़र्क उन्हीं को पड़ता है जो प्यार करते हैं, ठीक है ना। अगर वो तुमसे प्यार करता तो मैं छोड़ के नहीं जाता। इतने दिन कहाँ था, तू मर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उसने खबर ली नहीं, उसको पता था गधी वेट कर रही है, गधा वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो तुम। साड़ो ब्लॉक मार के फेंक देना, कभी चांस मत देना। तुम बावली ट्रेन के आगे जाओगे, कटोगे, इन धोखेबाज छोड़ने वालों के पास जाओगे, दोबारा धोखा खाओगे, दोबारा ये छोड़ के भाग जाएंगे। समझ गया, गर्दन मरोड़ के तोड़ू, अच्छा समझ गया, वेरी गुड। चूतिया मत बनो, हीरो हीरोइन बनना सीखो, ठीक है। बुरी लग रही होगी बात, पर तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। एक दूसरा पॉइंट, सर वो मुझे कॉल मैसेज कर रहा है, उसकी शादी हो चुकी है या वो किसी और में इन्वॉल्व हो चुका, क्या करूँ भाई, वो किसी और का हो चुका है, ठीक है, दो हाथों में लड्डू रख रहा है रंडवा हराम खोरनी है, समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक है। तुम अगर लड़की हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड शादी कर चुका है, तो तू लड़की होकर एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब करेगी, एक लड़की की इज्जत पूरे परिवार से जुड़ी हुई रहती है, वो अपना घर छोड़कर आई है लड़की, ठीक है, अब उसे पता चले उसका पति कहीं और इन्वॉल्व है, उस लड़की की ज़िंदगी तबाह होगी, उसके परिवार की ज़िंदगी तबाह होगी, बॉयफ्रेंड किसी और का हो चुका है, ठीक है, गर्लफ्रेंड किसी और से शादी करके जा चुका है, इतना ही प्यार आ रहा था तो घर वालों को बताते, घर वाले नहीं मान रहे तो कोर्ट मैरिज करते, उस टाइम तुमने डिसीजन क्यों लिया, उस टाइम नहीं ले सके तो अब भी डिसीजन नहीं लेना, इसको ब्लॉक मार के फेंक देना, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की लाइफ ख़राब करने से अच्छा है अपनी लाइफ बना लो, ठीक है। प्यार गया तेल लेने, साला किसी और का हो जाता है तब भी तुम अटकी हुई रहती हो, अटके हुए रहते हो, एक नंबर के गधे हो, हैं, अपनी लाइफ नहीं बनाओगे, तुम यूँ कहते हो। थर्ड पॉइंट ये है, हम उसके बिना जी नहीं सकते। भाई तुम्हारे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, तुम्हारे चाचा भाई बहन, जो इस दुनिया में आए उसे मरना है, ये नहीं कहोगे हमें जला दो, हमें बूढ़ दो, नहीं कहोगे, हम उनके बिना भी रह सकते, तो कल के लोंडे के लिए, कल की लोंडिया के लिए तुम मर जाओगी, गिड़गिड़ाओगी, तू अपने घर वालों पे धब्बा देते हो, आराम खोरो, है, जो तुम्हारी कदर नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम्हें चूतिया समझता, गालियाँ निकालता, तुम्हारी जिंदगी झंड करता, उसके पीछे भागती हो, मटकती डोलती हो, हैं, मटकते डोलते हो, इनको लात मार देना, लाइफ से टोटली निकाल देना। जो इतना प्यार देने के बावजूद भाग जाता है, भाग जाती है, उसके लिए रो रहे हो, जो तुम्हें टाइम नहीं दे सकता प्यार करेगा, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तुम्हारी केयर क्या करेगा, इसलिए ऐसे दूर हट जाता है कि लाइफ तुम अच्छे से जी सको। और भी पॉइंट आते हैं कि सर ये हो गया, सर वो किसी और में इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है, सर उसके साथ फिजिकल हो चुका है, मेरे साथ फिजिकल होना चाहता है, सर बार बार न्यूड पिक मांगता है, तो एक नंबर की गधी हो, ठीक है, ये हरकतें कुछ लड़के करते हैं, न्यूड पिक वगैरह मांगते हैं, एक लड़की की इज्जत पूरे परिवार से जुड़ी हुई रहती है, तुम तो नंगी पंगी पिक दे दोगे, कल को फिर वो ब्लैकमेल करेगा, फिर रोती रहोगी, वायरल करने की औकात नहीं है, बट वो तुमको धमकियाँ देगा, तुम्हें कंट्रोल करेगा, तो न्यूड पिक मत दे देना, ठीक है। आज तुम्हारी बहन है, हमारी बहन है, साला न्यूड पिक किसी के पास हो जाए, हमारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, पूरे परिवार की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो लड़कियों ऐसा काम मत करना, खुद की इज्जत है, खुद ही बचा सकती हो। अगर न्यूड पिक इतना ही देखने का शौक है, उस रंडवे को कहते ना, जा गूगल पे जाके देख ले, ऐसे हरामखोरों से दूर रहना जो ऐसी डिमांड करे, ठीक है। चूतियाँ मत बनो, बावली गांड मत बनो, अपनी ज़िंदगी सुधार लेना, समझ गया, गर्दन मरोड़ के तोड़ू। बहुतों को ये बात बुरी लगी होगी, भाई चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, बट यहाँ मुँह पे बात बोली जाएगी और एट प्रेजेंट सिचुएशन बताई जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लियो, इंस्टाग्राम यूजर नेम है विजय लव टिप्स नाम से, आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, जाओ और जल्दी फॉलो करो। जय हिंद, जय